राधे राधे भक्तों, आप लोग सुन रहे थे महान भक्त संत श्री रामदास बाबा जी की चर्चा कि जिनको राधा कुंड पर किशोरी स्वयं राधा रानी और उनकी सखियां भी मिलती हैं और वो शाम को जब अंधेरा हो गया तो महाराज आकर के बोली कि मेरे साथ चलो तुम, और बाबा मंत्र मुग्ध की भांति आविष्ट अवस्था में ही महाराज किंकरी स्वरूप से उनके साथ हो लिए। मतलब उनको भूल गया कि वो पुरुष हैं, वो स्वयं अपने को सखी मान रहे थे। उनको बिल्कुल यह ध्यान ही नहीं था कि उनका शरीर पुरुष का स्त्री का नहीं है। और थोड़ी दूर जाकर के देखा कि एक वट वृक्ष की डाल में सुंदर झूला रचका है और झूले में सुसज्जित आसन पर श्री राधा श्याम सुंदर विराजमान है। वही दोनों किशोरियां उन्हें झूला झूला रही। जो दो किशोरी बाबा ने देखा था उनके पास आई थी, अब देखा कि वही दोनों झूला झूला रहे हैं और बहुत सुंदर गा रही हैं। और गाते गाते हठात स्फूर्ति भंग हो गई, पर उनका राधा दासी भाव नहीं गाया महाराज, वो स्थाई हो गया था। अर्थात उनको पुरुष शरीर की याद नहीं आई, वो अपने को गोपी ही मानती रही। राधा ये रामदास बाबा बिल्कुल इसी भाव में पक्के टिक गए कि वो गोपी हैं। उनको बिल्कुल याद नहीं हुआ कि वो गोपी शरीर के नहीं पुरुष शरीर के हैं, ऐसा बिल्कुल उनको याद ही नहीं आया। और कुछ दिन बाद रामदास बाबा को संवाद मिला कि जगत बंधु आ गए, हाथरस में एक धर्मशाला में ठहरे हैं। और ये समाचार पाते ही वे गए उनके पास। उन्होंने बिछे हुए कंबल पर उन्हें अपने पास बैठाया। रामदास नीचा मुख किए चुपचाप बैठे रहे। उन्हें मान हो रहा था कि उन्होंने जिनके कारण और जिनके आदेश से घर छोड़ा था, वे उन्हें वृंदावन भेजकर स्वयं इतने दूर बैठे हुए हैं। और महाराज ये बात तो मान करने के लिए पर्याप्त थी। बंधु ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, क्यों रे, ब्रज का भोग अकेले ही करेगा? उल्टा बंधु के मुख से यह उलाहना सुन करके उन्होंने प्रणय रोष में उनकी ओर देखा। उनकी स्नेह भरी दृष्टि देखते ही उनका मान शिथिल पड़ गया। इतने प्यार से देखा ना बंधु महाराज ने, जगत बंधु जी ने, कि जो उनको थोड़ा माना था तो थोड़ा सा रूठे से थे, रूठा रूठी उनकी चली गई। और बंधु सुंदर अपने रामी को साथ में लेकर के महाराज एक महीने राधा कुंड में व्यतीत करने के लिए राधा कुंड चले गए दोनों लोग, जगत बंधु सुंदर जी और रामदास बाबा दोनों लोग। और दोनों ने वहां कीर्तन स्मरण और राधा कृष्ण की भांति भांति की दिव्य लीलाओं की स्फूर्ति का रात रात भर भोग किया। महाराज खूब आनंद लिया, राधा कृष्ण की लीलाओं को गाते थे, वही देखते थे। नियम सेवा पूरी करके रास पूर्णिमा के एक दिन पूर्व दोनों वृंदावन आ गए। और एक दिन दोनों यमुना जी का स्नान करके कुछ विलंब से लौट रहे थे। एक युवती ने उन्हें प्रणाम करके नौकरानी के हाथ से प्रसाद की डलिया ले बाबा रामदास को दी। और डलिया में प्रचुर प्रमाण में उत्तम उत्तम प्रसादी द्रव्य थे, लड्डू पूरी कचौरी खीर पेड़ा रबड़ी संदेश आदि। तो युवती के चले जाने पर बंधु ने एक कणिका प्रसाद लेकर के मुख में डाल लिया और एक कणिका रामदास के मुख में देकर कहा, जा यमुना और प्रसाद को प्रणाम करके इसे यमुना में बहा दे। महाराज रामदास चुपचाप आदेश के पालन किए।
पर सोचते रहे कि बंधु ने भागवत प्रसाद का निरादर क्यों किया। तो बंधु ने कहा, देखो श्रीमूर्ति और प्रसाद तो अभिन्न ही है ना। श्रीमूर्ति आत्मगोपन किए रहती है, भक्त के आग्रह से अपने आप को प्रकाशित करती है, उसे दर्शन देती है, उससे बात करती है। इसी प्रकार प्रसाद सर्वत्र आत्म प्रकाश नहीं करता, भक्त के घर ही आत्म प्रकाश करता है। इसलिए भक्त के घर ही प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, अभक्त का प्रसाद भी महाराज वैष्णवी माया के आक्रमण का मार्ग समझना चाहिए। कितना सावधानी थी महाराज जगत बंधु के जीवन में। कुछ ही दिन और वृंदावन में रह करके बंधु ने गौड़ जाने का निश्चय किया और जाने के कुछ पूर्व देखा रामदास के नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं और वे धीरे धीरे महाराज रोते जा रहे हैं गंभीर स्वर में। फिर उनके दोनों हाथ पकड़ के बोले, राम वृंदावन रह मंगल होगा। जगत बंधु सुंदर जी ने कहा, राम तू वृंदावन में रह मंगल होगा तेरा। भक्तों राम का मतलब यहाँ रामदास से है। और रामदास सिर नीचा किए रुंधे कंठ से बोले, ठीक है। दो आंसू उनके कपोलों से लगने लगे और बंधु के जाने के बाद रामदास बाबा राधा रमण के मंदिर के पास पटना कुंज में रहने लगे। उनके कठोर वैराग्य के साथ जप लीला स्मरण और साधु संग करने में ही दिन व्यतीत होते थे। प्रसाद के लिए उन्हें प्रभुपाद रघुनंदन गोस्वामी के यहाँ जाना पड़ता। रघुनंदन गोस्वामी ने बंधु के सामने उनसे कहा था कि प्रसाद नित्य उनके घर से ले लिया करें। और बंधु ने प्रभुपाद का सम्मान करने के लिए उसमें आपत्ति नहीं की थी, पर रामदास को उन्होंने पहले स्थूल भिक्षा न स्वीकार करने की आज्ञा दे रखी थी। उन्हें प्रभुपाद और बंधु दोनों की आज्ञा दे रखी थी। उन्हें प्रभुपाद को भी आज्ञा दिया था उन्होंने और रामदास को भी दिया था अलग अलग प्रकार से। इसलिए वे रघुनंदन गोस्वामी के यहाँ से प्रसाद लाकर बहुत सावधानी थी। अब देखिए सावधानी उनकी, रघुनंदन गोस्वामी के यहाँ से प्रसाद ले आते थे जिससे नाराज न हो दुखी न हो, और लाकर खाते नहीं थे, एक वृद्धा माई को दे आते। सुंदर सुंदर प्रसाद होता था, अच्छा पकवान होता था, वो वृद्धा माई को देती थी, माई खुश हो जाती है। और उस वृद्धा माई के यहाँ से दो रोटी कभी बाजरे की कभी ज्वार की ले आते। तो गरीब ब्रजमाई तो बहुत प्रसन्न होती थी, अच्छा भोजन मिला, खीर पूरी और संदेश आदि। और बाबा उससे भी ज्यादा प्रसन्न होते कि उनको ज्वार बाजरे की मधुकरी मिल गई। तो बाबा गोस्वामी को भी नाराज नहीं करते थे और अपना बदल देते थे भोजन, इस तरह से अच्छा भोजन दूसरे को दे करके रूखा सूखा उससे ले लेते थे। तो कुछ दिन बीत गए, रामदास बाबा को इस प्रकार वृंदावन में रहते हैं। उनकी आयु अब 17 वर्ष की थी। भक्तों बताओ, बाल्यावस्था में ही इतने तप और साधना भजन कीर्तन सब कर लिया था। और ये उनके जीवन का समझ लीजिए संधि काल ऐसा था कि घटना चक्र तेजी से घूमने वाला था और उनके आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाला था। इसके पूर्वाभास के रूप में उन्हें मिला बंधु का भेजा 10 रुपए का एक मनी ऑर्डर, जिसके कूपन पर लिखा था, हुगली से कलकत्ते स्टीमर पर चले आना और कुमार टुली के फटिक मजूमदार के घर ठहरना,
इति तुम्हारा बंधु। बंधु महाराज कितने सामर्थ्यवान और कितने सावधान थे। अब आप ये समझिए कि कलकत्ता से रामदास बाबा को वहीं से गाइड करते रहते हैं, वहीं से इंतजाम करते रहते हैं सब। बाबा जब फटिक बाबू के घर पहुंचे तो बंधु वहीं ठहरे हुए थे। उन्हें बाबा के आने की सूचना दी गई और थोड़ी देर में अवधूत सरीखे महात्मा अतुल चंपति महाशय आए और बाबा को एक कमरा दिखाते हुए बोले, आप यहाँ रहें, बंधु आज किसी से भेंट नहीं करेंगे। ये सुनकर के बाबा चकित। वे इतने दिन बाद अपने प्राण बंधु से मिलने की तीव्र उत्कंठा लेकर के आए हैं और आशा थी कि बंधु के प्राण भी उनसे मिलने के लिए छटपट कर रहे होंगे और उन्हें देखते ही प्रेम पूर्वक अपने बाहुपाश में आबद्ध कर लेंगे। और वो यहाँ तो ये सुनने को मिला कि बाबा बंधु महाराज आज मिलेंगे ही नहीं। उन्होंने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि बंधु इस प्रकार उनकी उपेक्षा करेंगे। उन्होंने वृंदावन से उन्हें बुलाया ही क्यों, अब ये सोचने लगे वो, और बुला करके उपेक्षा क्यों की। गूढ़ रहस्य होगा, पर वो रहस्य क्या हो सकता है ये सोच सोच करके वे अस्थिर से हो रहे थे। मैं राम बाबा के आने के पूर्व ही एक दिन बंधु ने अपने साथियों से कहा था, वृंदावन से एक हरिनाम का पौधा मंगा रहा हूं, अच्छे बीज का पौधा है। अपने साथियों से बंधु महाराज ने कहा था कि उसे मैं कुछ दिन पहले वृंदावन रखाया था उस पौधे को, और बहुत अच्छा पौधा अब मंगाया है, अब वो पौधा आ गया है और जिससे वहां के जलवायु से पुष्ट होकर के आया है, वृंदावन की जलवायु से अब वो आल प्रूफ होकर के फल फूल से लदा हुआ शीघ्र तुम लोगों के पास पहुंचने वाला है। बिल्कुल उन्हें चिंता थी कि कहीं उसके दिव्य फलों को वृंदावन के तोते चिड़िया कुतर कुतर करके फेंकने दें और विश्व के सहस्रों क्षुधार्त प्राणी उनके लिए तरसते न रह जाएं। वे उन्हें एक गतिशील कल्प वृक्ष के रूप में स्वतंत्रता पूर्वक विश्व में विचरने के लिए छोड़ देने को उत्सुक थे, पर ये कार्य इतना सरल न था। इसमें प्रधान बाधा थे रामदास का बंधु प्रेम और बंधु संघ की उनकी तीव्र लालसा। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने एक लीला रची थी जिसका यह आरंभ था। भक्तों, महाराज जगत बंधु बहुत महान बहुत बड़े महापुरुष थे, उनकी लीला जल्दी समझ में नहीं आ सकती थी। कदाचित इससे भी अधिक महत्वपूर्ण एक गूढ़ कारण और था जो बंधु को अपने प्रिय रामी को अपने से दूर रखने के लिए विवश कर रहा था। बंधु के सभी भक्त उन्हें भगवान मानते थे, पर रामदास उन्हें अपना बंधु मानते थे। उन्होंने बंधु के साथ जो सरल और सहज प्रीति का संबंध जोड़ रखा था उसमें ऐश्वर्य के बुद्धि पनपने का अवकाश ही कहाँ था। वे उनका ऐश्वर्य देख करके भी उसे अंगीकार करने में असमर्थ थे। जिस प्रकार ब्रज के गोप गोपियां कृष्ण का अनंत ऐश्वर्य देख करके भी उन्हें भगवान नहीं मानते थे, भगवान मानने में असमर्थ थे, मतलब नहीं मानते थे ब्रज के गोप गोपी, वो तो अपना सखा मानते थे। दोनों विपरीत भाव के भक्तों को एक साथ रखना संभव नहीं था। बंगाल के लोग बंधु को भगवान मानते थे और रामदास बाबा उनको अपना सच्चा मित्र मानते थे। इस प्रकार की स्थिति थी भक्तों। भक्तों, बंधु से रामदास की भेंट होने में विलंब हुआ, पर भेंट होते ही उनकी एक ही स्निग्ध हास्यपूर्ण दृष्टि से सारी वेदना जाती रही। पूर्वत रसालाप और कीर्तन आरंभ हुआ।
रामदास दिन में बंधु की आज्ञा अनुसार नगर भ्रमण कर कीर्तन करते और रात्रि में उनके साथ रसालाप और लीला कीर्तन करते। 2 महीने के बाद बंधु ने चाशा धोपा पाड़ा लेन में महाराज एक मकान किराए पर लिया और उसमें रहने लगे। उसके पास ही थे डोम पाड़ा और राम बागान और वेश्याओं की गंदी बस्तियां भी थी। डोमपाड़ा भी था और प्रायः दिनों में भी वहां चोरी डकैती होती थी, कत्ल होते थे, बहुत गंदे मोहल्ले थे भक्तों। और इस स्थान को उन्होंने पसंद इसलिए किया कि पतितों में रहकर पतितोद्धार का उनका अभियान सुचारू रूप से चल सकता था और यहाँ आकर कीर्तन के साथ नगर भ्रमण करने का पर रामदास को आदेश दिया। पृथक रूप से अकेले नित्य गंगा स्नान कर डोम पाड़ा और राम बागान आज बस्तियों में भ्रमण करते हुए कीर्तन करने का। बात ये थी जगत बंधु तो सामर्थ्यवान सिद्ध पुरुष थे ना, वो तो कहीं भी रह सकते थे, वो तो गंदे लोगों के मोहल्ले में भी रह करके महाराज उनको भी पवित्र कर सकते थे, लेकिन साधक को ऐसा नहीं आदेश करते। वो कीर्तन अधिक सुखमय और प्रभावशाली होता है जब उनमें कुछ अन्य लोगों का भी सहयोग। कृपा में प्रभु ने 4 साथियों को भेज दिया जो प्राण प्रिय रामदास के कीर्तन से प्रभावित होकर अपना तन मन उन पर न्योछावर कर चुके थे और 3 साथियों के नाम थे तुलसी, शिरोद और रानू और 4th साथी था एक वृद्ध काले रंग का दुबला पतला कुत्ता जो इन तीनों से पहले ही आ जाया करता था और रामदास जी ने पहली बार उसे देखा। जैसे ही गंगा स्नान करने जाने के लिए घर का दरवाजा खोला उन्हें लगा कि एक वृद्ध वैष्णव जिनके गले में कंठी है, मस्तक पर तिलक, हाथ जोड़े बैठे हैं और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे उठे उन्होंने देखा कि जिसे वो मनुष्य समझ रहे थे वो एक कुत्ता है। महाराज कैसी लीला थी मेरी भी, एक संत ने इस प्रकार से दर्शन दिया था। वो कुत्ता नित्य बाबा के गंगा स्नान को जाने से पहले उनके पास आता और लौटने के बाद कहीं चला जाता। कीर्तन के समय बीच बीच में कीर्तन की ध्वनि के साथ वो भी ध्वनि करता और बंधु का इस प्रकार अपने अन्य भक्तों से पृथक कर देना रामदास को अच्छा नहीं लगा। अन्य भक्तों का विशेष रूप से अतुल चंपटी का अपने प्रति व्यवहार भी दिन पर दिन बिगड़ता देखकर उनका दम जैसे घुटने लगा। वे वृंदावन लौट जाने की सोचने लगे। ऐसे में एक दिन बंधु ने उनसे कहा, देख ब्रज के लिए तेरा छटपटाना अनुचित नहीं, पर जो दूसरों को खिलाकर खाता वही न सच्चा मनुष्य है। ये बाबा के प्रति कितना भाव था इनका, जगत बंधु जी का, वे कह रहे हैं इस प्रकार समझा कर। एक दिन रामदास बाबा रात्रि में स्मरण कर रहे थे। बंधु ने मृदु स्वर में मृदंग बजा करके उन्हें लीला कीर्तन के लिए अपने कमरे में आ जाने का संकेत किया और उन्होंने जाकर के लीला कीर्तन आरंभ किया। बाबा गा रहे थे, बंधु मृदंग बजा रहे थे और लीला रस का आस्वादन करते करते बाबा के स्मरण आवेश में महाराज के पश्चात रास नृत्य में क्लांत राधा रानी का कनक अंग श्री कृष्ण के श्याम अंग पर लुढ़क पड़ा और श्याम के दोनों नयन वृंग उनके मुख कमल का मधुपान करने के आवेश में जड़िमा को प्राप्त हुए। नव किशोरी की कनक प्रतिमा नीलमणि के वक्ष में निद्रा को प्राप्त हुई।
महाराज बड़े भाव से रामदास बाबा गा रहे थे और जुगल की इस रूप माधुरी को निहारते निहारते रामदास अपनी बाह्य स्मृति खो गए थे। बंधु भी उसी प्रकार आविष्ट हो गए और थोड़ी देर बाद अरुणोदय हो गया। बंधु को बाह्य स्मृति हुई, वे स्वयं किशोर किशोरी के जागरण का गीत गाने लगे और पद की ध्वनि से रामदास का आवेश भंग हुआ। बंधु ने कुंज भंग का गीत गाने के लिए गीतों की कापी उनके सामने बढ़ाते हुए कहा, गा। महाराज रामदास ने आवेश में कापी उठाकर उनके ऊपर फेंक दी। उनके दोनों नेत्र लाल हो गए क्योंकि वे जिस रस का महाराज आस्वादन कर रहे थे उसमें बंधु ने बाधा डाल दी थी। बंधु हंसे और मृदुकंठ से बोले, किसके लगी, जंगले के बाहर देखना। उनका आशय था कि प्रातःकालीन नाम संकीर्तन के साथ नगर भ्रमण का समय हो गया, अपने स्मरण सुख के लिए नाम की सेवा का त्याग देने से नाम के प्रति अपराध होगा। नाम और नामी अभिन्न, इसलिए नामी को आघात पहुंचेगा। बाबा उनका आशय समझ गए और फिर लज्जा से सिर नीचा कर लिया। बड़े गहरे भाव थे भक्तों इनके। बाबा ये भी समझ गए कि उस दिन ये कह करके कि जो दूसरों को खिलाकर खाता है वही सच्चा मनुष्य है, और आज ये बताकर कि स्मरण सुख में नाम की सेवा श्रेष्ठ है, बंधु उनके भावी जीवन की दिशा का संकेत किया। बंधु ने इस प्रकार संकेत किया रामदास बाबा को कि आगे तुम्हें क्या करना है। उन्हें नाम संकीर्तन के द्वारा जगत की सेवा करने का आदेश दिया। इस प्रकार से भक्तों बहुत अद्भुत ये महापुरुष थे, जगत बंधु और उनके प्रिय अनुयायी सेवक शिष्य रामदास बाबा। मैं आगे फिर सुनाऊंगा इनके विषय में। अभी इन दोनों के महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे।